हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ चैप्टर वन रियल नंबर्स के एमसीक्यू बेस्ड वर्कशीट के ऊपर। और आज की इस वर्कशीट के थ्रू हम सीखेंगे कैसे हम क्वेश्चंस को इजी वे में शॉर्टकट ट्रिक से या हिडन ट्रायल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वन मोर थिंग बच्चों, की ये शीट में आपको एमसीक्यू के साथ साथ में असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी सीखने को मिलेंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस वीडियो के साथ में कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 96 और 1404 का हमको HCF फाइंड करना है। इन दोनों का HCF क्या होगा? तो एक तो हम डिवाइड वाली मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, हमारी सबसे कॉमन मेथड, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो 96 को अगर मैं डिवाइड करूं 2 से तो आएगा 48, फिर 2 से डिवाइड करूंगा इसको तो 24 आ जाएगा, फिर 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 आ गया है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404 देख लेते हैं हम। 2 से डिवाइड करेंगे तो 202, 2 से डिवाइड करेंगे तो 101। 101 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ से 2 आ रहे हैं, यहाँ से भी 2 आ रहे हैं, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? HCF ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी 2 × 2, दैट इज 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा आ गया है 4। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 4। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, नॉट एन इरेशनल नंबर। अब बच्चों आपको इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पता होगी, फिर भी मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको कि एक इरेशनल नंबर को अगर आप किसी रैशनल नंबर के साथ में ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी एन इरेशनल नंबर। रिजल्टेंट जो होगा वो इरेशनल ही आएगा। यहाँ पे हम एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये देखिए, ये रैशनल है और ये इरेशनल है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये इरेशनल नंबर्स हैं और ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का एडिशन हो रहा है, तो जो कंप्लीट नंबर होगा वो भी इरेशनल नंबर ही बनेगा। नेक्स्ट जो है थर्ड वाला ऑप्शन जो है, इसमें √7 - 3 ब्रैकेट में दे रखा और फिर √7 दे रखा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम तो हमारे पास में ये कुछ वैल्यू इस टाइप से आएगी जिससे √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट बचेगा -3। तो -3 जो है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रैशनल नंबर मिल रहा है, इरेशनल नंबर नहीं मिल रहा है। फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है? तो बच्चों आपको पता ही होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन तब होता है जब डिनोमिनेटर में आपके पास में 2^n × 5^m वाले फैक्टर्स हों डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 1 by 1 हिट एंड ट्रायल के थ्रू चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसके अंदर 2 and 5 के ही फैक्टर्स आ रहे हैं, उसके अलावा किसी के भी फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में देखो जरा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे 9 दे रखा है और 9 के जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 × 3। तो ये वाला क्वेश्चन आंसर हमारा नहीं हो सकता है। फर्स्ट वाले को भी हमने ऑप्शन में रखा है क्योंकि फर्स्ट वाले में जो फैक्टर्स हैं 200 के वो 2 से डिवाइड किया 100 आया, 2 से डिवाइड किया 50 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 25 आया, उसके बाद में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है ही। अब हम एक बार चेक करेंगे क्या दूसरे ऑप्शन, तो हमारे दूसरे ऑप्शन में से कोई और ऑप्शन तो नहीं है। 75 के भी फैक्टर्स में हमारे पास में 3 आ जाता है, मतलब हम 75 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो 25 आ जाएगा, और यहां पे भी हमारे पास में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है एज अ फैक्टर, तो यहां ये भी कॉमन, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 35 के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें 7 आ जाता है, 7 × 5 इसमें आ जाता है 7 × 5, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। बच्चों ध्यान से सुनना, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं उसमें डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी फैक्टर्स आ सकते हैं, मतलब 3, 7, 11 कोई दूसरा फैक्टर भी यहाँ पे आ सकता है। तो पहला जो आंसर है हमारा 3/8, उस 3/8 में जो 8 है वो 8 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2,
तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। 125 के फैक्टर्स होते हैं, 125 में 5 × 5 × 5 आता है तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। 80 में जो फैक्टर्स आते हैं तो 80 के फैक्टर्स हम चेक कर लेते हैं। 80 के फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास में, 2 से डिवाइड किया 40, फिर 2 से डिवाइड किया 20, फिर 2 से डिवाइड किया 10, फिर 2 से डिवाइड किया 5 और फिर 5 से डिवाइड किया 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास में 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो ये तीनों ही हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हम 343 के फैक्टर्स अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 7 × 7 × 7 आएगा। इसका मतलब सॉरी 7 × 7 × 7 आएगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि जो HCF है इन दोनों नंबर का वो 9 देके रखा हुआ है और जो LCM है वो आपको फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इनटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 306 इंटू 657 इज इक्वल्स टू 9 इंटू LCM। ठीक है, अब इस 9 को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले आऊंगा क्योंकि फॉर्मूला यही होगा LCM का। अब इसको डिवाइड करते तो 9 × 1 = 9, 3 × 4 = 36, 57 × 34 हमारा प्रोडक्ट में आएगा। और इसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 22338 ऑप्शन बी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए अब ऑप्शन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है 3 bulbs red green and yellow। देखो हमारे पास में 3 bulb हैं red green and yellow जो कि flash करते हैं at a certain interval that is 80 seconds, फिर वो 90 सेकेंड्स के बाद में फ्लैश करेंगे और उसके बाद में वो 110 सेकेंड्स के बाद में फ्लैश करेगा येलो वाला बल्ब। ऑल दी थ्री फ्लैश टुगेदर एट 8 AM और ये दोनों तीनों ने ही सबसे पहली बार जो फ्लैश स्टार्ट किया था वो किया था 8 AM को। अब हमको ये देखना है कि कितनी बजे ये फिर से जो है वो फिर से अब फ्लैश एक साथ में होंगे। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो बच्चों आपको पता ही होगा कि LCM या HCF दो चीजें इसके अंदर फाइंड करना है हमको, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हमको फाइंड करना है। तो LCM कब निकालते, जब हमें इन तीनों गिवन नंबर से बड़ा नंबर चाहिए होता है। HCF कब निकालते, जब हमें इन तीनों गिवन नंबर से छोटा नंबर चाहिए होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली हमको बड़ा नंबर चाहिए, ज्यादा टाइम आएगा, तो जब ज्यादा टाइम आएगा तो इसका मतलब ये कि हमको LCM निकालना है। तो इन तीनों का LCM निकालने के लिए हम इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं, 80, 90 और 110, इनका कंबाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जिससे हमें इसका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा 45 और 55 आएगा यहाँ पे। अब ये 4, अब ये 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ 20, यहाँ पे आएगा 45 एज इट इज, यहाँ पे आएगा 55 एज इट इज, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, 45 और 55, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 45, 55। जी हाँ, मुझे पता है कि अब 3 से डिवाइड करना है लेकिन हम 5 से डिवाइड करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं। 1 यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 11, फिर 9 और 11 हमारे पास में दो नंबर बचेंगे तो इनको दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और इससे हमको मिल जाएगा LCM। अब हम निकालते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन जिससे हमको मिल जाएगा LCM। तो 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 5 जो होता है वो होता है 80, 80। अब 80 × 9 आएगा आपका 720 और 720 का मल्टीप्लाई अगर मैं 11 में करवाता हूं तो 0 और 2, 7, 8, 9 और 7 एज इट इज, तो ये 7920 आपके सेकेंड्स में आ रहा है। आपको चाहिए मिनट्स में आंसर, तो आप क्या करेंगे इससे डिवाइड करेंगे 60 से डिवाइड करता हूं मैं इसे, 61 × 60, यहां पे बचेगा आपके पास में 19, तो 192 आपका आ जाएगा वैल्यू। 2 को हम कैरी ओवर करेंगे नीचे तो अब 63 × 180 होता है तो यहां पे आ जाएगा 180। अब यहां पे रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 12 और ऊपर से आपने 0 कैरी ओवर लिया तो आपके पास में 60 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 120 वैल्यू आ जाएगी, रिमाइंडर 0, मतलब आपका आ गया है 132 मिनट्स। लेकिन 132 मिनट्स को भी आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ये हो जाते हैं 2 घंटे, 2 hours and 12 minutes। मतलब अगर हमारी जो ये तीनों लाइट्स थी ये 8 बजे फ्लैश हुई थी एक साथ में तो
आठ में अगर हम 2 घंटे 12 मिनट जोड़ देंगे तो 10:12 पर ये फिर से फ्लैश होगी, 10:12 AM पे ये फिर से तीनों लाइट्स फ्लैश करेगी टुगेदर। तो इसका आंसर है आंसर सी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7। 3 bells टोल एट इंटरवल 9, 12, 15 minutes रिस्पेक्टिवली, इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर। अब देखो यहाँ पे भी हमको LCM ही फाइंड करना है इन तीनों का, तो आई होप अब आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर करके आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका आंसर जो है आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या आंसर इसका आ रहा है। What is HCF of two consecutive natural numbers? दो consecutive natural numbers का अगर हम HCF निकालते हैं तो हमेशा याद रखना ये आंसर हमेशा 1 आता है। तो दो consecutive natural numbers का जो HCF होगा it will be 1 always। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9th पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th में उसने बोला है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट। अब इसका सॉल्यूशन पहले मैं आपको प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक। तो यहां पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 43 है और नीचे 2 to the power 4 और 5 to the power 3। अब हमको इसमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 5 का ऊपर और नीचे, जिससे सेम पावर हो जाएगी 2 और 5 की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 2 की पावर 4 into 5 की पावर 4। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 43 upon 2 into 5 whole to the power 4। 2 into 5 का मतलब क्या, 10। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 मतलब 43, डिनोमिनेटर में 10000। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0043। इसका मतलब डेसिमल के 4 digit के बाद में ये नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों, जैसे यहाँ पे 2 है और 5 है, तो किसकी पावर बड़ी है। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2 की पावर बड़ी है, दैट इज 2 की पावर 4 है यहाँ पे। और अगर 2 की पावर 4 है मतलब ये कि आपका जो आंसर आएगा वो 4 ही आएगा। अगर 2 की पावर 5 होती तो आपका आंसर 5 आता, अगर 5 की पावर 6 होती तो आपका आंसर 6 आता। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों नंबर्स 2 एंड 5 दोनों में से जिसकी भी पावर बड़ी है उतने डेसिमल नंबर के बाद में जो हमारा गिवन नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10। 1 से लेके 10 तक आप सभी नंबर्स का निकालेंगे LCM, और LCM नंबर, LCM जब आपका निकल जाएगा 1 से 10 तक के सभी नंबर्स का, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो नंबर है इन चारों में से वो जो है डिविजिबल होगा इन सारे ही नंबर से। ठीक है, तो आपको इसको किस मेथड से करना है, आपको इसमें फाइंड करना है LCM और आपको आपका आंसर फाइंड करना है। और LCM भी किसका निकालना है, सभी नंबर्स का LCM निकालना है, 1 से 10 तक के सभी नंबर्स का LCM फाइंड करना है। तो इन चारों में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है असर्शन एंड रीजन पे बेस्ड। अब आपको पता ही होगा कि हमारे पास में असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में असर्शन और रीजन होता है। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट, जो कॉमन स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है उससे रिलेटेड एक रीजन दिया जाता है। तो कई बार हमारे पास में रीजन जो होते हैं वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होते हैं, कई बार रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होते हैं असर्शन के। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, तो हमारे पास में 4 ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन होता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास में बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन सी होता है कि असर्शन तो करेक्ट है लेकिन रीजन इनकरेक्ट है, और ऑप्शन डी होता है कि असर्शन इनकरेक्ट है बट रीजन करेक्ट है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ के इन चारों में से जो भी हमारा आंसर है टिक करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में असर्शन दिया हुआ है जिसमें देयर आर 2 नंबर्स सच दैट HCF इज 18 एंड LCM इज 380। हां, तो दो नंबर्स अगर हमारे पास में है 18 एंड 380, दो नंबर है हमारे पास में और उनका HCF 18 और LCM 380 आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे LCM की एक प्रॉपर्टी, LCM HCF की एक प्रॉपर्टी होती है कि LCM जो है वो डिविजिबल होना चाहिए HCF से। तो यहां पे 18 से हम डिवाइड करते हैं 380 को, तो क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है, 18 2 3 36, यहाँ पर रिमाइंडर 2 बच रहा है और हमने कैरी ओवर 0 किया, तो 18 1 18 मतलब हमारे पास में अल्टीमेटली रिमाइंडर 2 बच रहा है।
इसका मतलब ये जो नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब हमारा असर्शन जो है वो गलत है बट रीजन जो है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज इनकरेक्ट बट द रीजन इज करेक्ट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उसमें बोला गया है कि असर्शन आपको दिया हुआ है द नंबर दिस हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो बिल्कुल हो सकता है अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स आए, तो ये जो नंबर है ये 5 की पावर 5 वाला नंबर है। चलिए चेक कर लेते हैं फिर भी हम एक बार इसको, हम 5 से डिवाइड करेंगे 625 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में 25 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब असर्शन जो है वो करेक्ट गिवन है। रीजन, रीजन में बोला इट इज इन द फॉर्म ऑफ p डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n, वेयर p एंड n, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जो रीजन दे रखा है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और असर्शन भी बिल्कुल सही दे रखा है, मतलब रीजन भी करेक्ट है असर्शन भी करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला था नंबर 4 टू द पावर n cannot end with the digit 0 when n is a natural number। अगर आप 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 4 ऐसे नंबर्स लेते जाएं तो आपका ये नंबर कभी भी एंड नहीं होगा जीरो पे, एंड नहीं होगा जीरो पे। इसका मतलब क्या कि आपका जो वंस प्लेस है उस पे कभी भी, या यूनिट्स प्लेस जिसको हम बोलते हैं उस पे कभी भी जीरो नहीं आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ तो 4 आ रहा है, इसका आ जाएगा वैल्यू 16, इधर आ जाएगा 64 और इधर आ जाएगा आपका 256। तो आपको यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर इस वंस प्लेस पे आपको जीरो दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो ये नंबर है ये कभी भी कितनी भी पावर लगाने पे जीरो से एंड नहीं होगा। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन जो रीजन दे रखा है उसमें बोला है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n हैव ओनली द प्राइम फैक्टर एज 2। जो 4 टू द पावर n है उसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एज ए प्राइम फैक्टर आएगा। तो यस, दिस रीजन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम कि रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर आंसर नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है उसने कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150, देन द एलसीएम इज 30। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब अगर हम दो नंबर्स लें ए इंटू बी और उनकी वैल्यू निकालें तो एलसीएम ऑफ ए इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी के बराबर ये वैल्यू होती है। तो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट दे रखा है वो 150 दे रखा है, एलसीएम हमको 30 दे रखा है, एचसीएफ हमको 5 दे रखा है, तो यहाँ पे भी 150 इज इक्वल्स टू 150 आ रहा है। इसका मतलब ये कि एचसीएफ ऑफ ए बी प्लस एलसीएम। अब देखो असर्शन तो करेक्ट है आपका, रीजन की बात करें तो रीजन में यहाँ पे एडिशन का साइन दे रखा है, मतलब ये जो फॉर्मूला दे रखा है फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए बी प्लस एलसीएम ऑफ ए बी प्लस एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ही दे रखा है। तो एक्चुअली ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे एडिशन नहीं आता, यहां पे क्या आता है मल्टीप्लिकेशन आता है। तो ये स्टेटमेंट जो है, रीजन जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, रीजन हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन में बोला है 5-√3 इज एन इरेशनल नंबर। 5-√3 एक इरेशनल नंबर है, यस इट इज एन इरेशनल नंबर। अब एवरी इरेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो रीजन दिया हुआ है उसमें बताया हुआ है कि जो इरेशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है। तो ये भी रीजन भी करेक्ट है, आपका रीजन भी करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रीजन है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है करेक्ट असर्शन का, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन आना चाहिए रीजन में वो ये आना चाहिए कि जो इरेशनल नंबर है अगर हम उसको रैशनल नंबर के साथ में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमें रिजल्टेंट में भी इरेशनल नंबर ही मिलता है। मतलब जो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। केस स्टडी वाले क्वेश्चन पे आ गए हैं बच्चों हम लोग, केस स्टडी वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले हम केस स्टडी पढ़ लेते हैं फिर हम क्वेश्चन पे बात करेंगे।
There is a circular path around a sports field. Sonia takes 9 minutes to drive one round, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they have start, they both start at the same point at the same time and go in the same direction. तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन. तो अगेन यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है 9 का एंड 12 का. 9 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम जल्दी से. तो 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1. तो अल्टीमेटली हमारे पास में आंसर आ गया है 3, 3 जा 9, 2, 2 जा 4, 9, 4 जा 36. तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन. वो 36 मिनट के बाद में फिर से मिलेंगे एक दूसरे से, ठीक है. व्हाट विल यू फाइंड फॉर गेटिंग द आंसर. अब देखिए उसने इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये इस चीज का आंसर निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा. तो हमें निकालना पड़ा LCM ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है. नेक्स्ट है रवि टेक्स 20 मिनट्स एंड सोनिया टेक्स 9 मिनट्स. अब उसने टाइम चेंज कर दिया है. रवि के लिए बोला है कि वो 20 मिनट लगा रहा है और सोनिया के लिए बोला है कि अभी भी उसे 9 मिनट ही लग रहे हैं. फॉर कंप्लीट वन राउंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन. फिर से इसका हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा. ये 9 अभी भी एज इट इज चल रहा है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 अभी भी एज इट इज है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर अगेन 3 से डिवाइड करेंगे हम इस नंबर को तो हमारे पास में क्या आएगी वैल्यू, 1 1. मतलब 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 9 जा 180. आपका जो LCM है इन दोनों नंबर्स का वो आ रहा है 180 मिनट्स. मतलब आफ्टर 180 मिनट्स ये जो रवि और सोनिया है वो वापस राउंड के बाद में एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है. चलिए आंसर्स भी दे रखे, अगर आप चाहें तो आंसर्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट करके. केसी स्टडी 2 में बोला है स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज. She wants to stack them in such a way that each stack has same numbers and they take up at least area of the tray. और ट्रे का कम से कम एरिया लेंगे. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमें 420 से और 130 से छोटा नंबर निकालना है, तो हमें निकालना पड़ेगा HCF of these two numbers. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं. 13 एकम 13 दुना 32, 13 एकम 13 दुना 26, 13 3 39, 390 यहाँ पे बचेगा 30. अब 30 से डिवाइड करेंगे हम 130 को, तो 4 जा 120 आएगा यहाँ पे, 10 रिमाइंडर बचेगा. अब 30 को डिवाइड करेंगे अगर 10 से तो 3 जा 30 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. इसका मतलब जो हमारा एच सी एफ है इन दोनों नंबर्स का वो है 10. तो एक ट्रे में 10 बर्फीज ऑफ ईच काइंड आप जमा सकते हैं टू गेट द मिनिमम एरिया. अब हाउ मेनी ट्रेज आर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल दी बर्फी. सभी बर्फी मतलब ये 420 प्लस 130 बर्फी को रखने के लिए आपको कितनी ट्रे रिक्वायर्ड है, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास में आ रहा है 550. अब बच्चों टोटल बर्फी है 550, एक ट्रे में आपके पास में कितनी बर्फी आ रही है, 10 बर्फी आ रही है. तो अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे इस नंबर को तो आपके पास में आएगा 55, ठीक है. ये देखिए 55 आ रहा है आपके पास में. तो 55 नंबर ऑफ ट्रेज आपको रखनी रहेगी ताकि आप सारी काजू कतली और जो बर्फीज हैं आपकी काजू बर्फी और बादाम बर्फी इनको जमा सकें. तो बच्चों आई होप आपको ये पेपर समझ में आया होगा. ये था चैप्टर नंबर 1 का पेपर. अब हम इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 के पेपर को सॉल्व करेंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको कोई डाउट है तो इसमें जो आंसर्स हैं वो गिवन है, तो आप इन आंसर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.